गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो ये मेरा डेली लाइफ रूटीन ब्लॉग की रिलेटेड है। सो अभी मैं कुल्लू मनाली से होकर आया हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ऑफ रोडिंग भी हो गई, बहुत खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग हुई। अब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी ऑफ रोडिंग ड्राइव करी है, वो भी अपनी पोलो के साथ, और इसने काफ़ी साथ दिया। और बिल्कुल मतलब लगा नहीं था मुझे पहाड़ पर एक हाई ट्रक पहुँच जाएगी। तो बेसिकली हम पराशर लेके गए थे, स्टोरी कुछ ऐसी हुई कि हमने जाना, हम आ रहे थे वापस कुल्लू से घर के लिए अपने वापस, तो हमने सोचा कि पराशर लेके रास्ते में पड़ेगा तो हम हो जाते हैं। हमने देखा गूगल मैप से रास्ता, तो उसने दिखाया वो शॉर्टेस्ट, उसने दिखाया, और ऑलवेज आई प्रेफर कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कवर करूँ। तो इस बार भी हमने शॉर्टेस्ट ही लिया, बट यहाँ पोपट हो गया और उसने शॉर्टकट तो दिखा दिया, बट 10 किलोमीटर ठीक नीचे आपका रास्ता बिल्कुल गायब रास्ता था, बट वो कच्चा रास्ता जो होता है, और एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग थी। इसके बाद मैं उसकी आपको एक क्लिप दूंगा, आप उस क्लिप को देखिएगा, 2-3 मिनट की क्लिप होगी कि रास्ता इतना ख़राब था। मुश्किल से हमने चढ़ा भी ली, बट जस्ट 1 किलोमीटर नीचे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रास्ता था, जहाँ पर गाड़ी को ले ही नहीं जा सकती, अदरवाइज गाड़ी की बैंड बज जाती। सो उसको हमने अवॉइड करना ही ठीक समझा। और अभी गाड़ी की हालत मैं आपको दिखाऊँगा, कितनी गंदी हो गई है और इसके थोड़े से अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। आगे का बम्पर भी थोड़ा सा नीचे का प्लास्टिक पार्ट जो होता है वो निकल गया, तो उसे भी फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी मैं आया हूँ गाड़ी लेकर कार्स पॉइंट सर्विस यहाँ पर। तो हिमाचल में जो है ये है कार्स पॉइंट सर्विस, सो जो यहाँ के ही हैं लोकल उनको तो पता होगा। सो वैसे हिमाचल में पोलो का सर्विस सेंटर जो है वो मंडी में है। सो फिलहाल मैंने बेसिक यहाँ पर जो एक आपका सर्विस गए हैं वो पोलो में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को पहले भी 1-2 बार ठीक करा है। कुछ पार्ट्स इधर उधर हो गए थे तो मंडी में नहीं जा सकता था, तो यहीं पर मुझे किसी ने बताया एंड देन आई विजिट। सो अभी मेरी 3rd-4th ट्रिप है यहाँ की मैं यहाँ गाड़ी लेके, बट ये वाला इस बार मेजर है। तो गाड़ी में आपको दिखा दूँ कितनी गंदी हालात में है, और उसके बाद आप गाड़ी की साफ सफाई एकदम चमकाएंगे, इसे अंदर पॉलिश वॉलिश पूरा गाड़ी का काम करवाऊँगा, एंड उसके बाद यहाँ का मैं रिव्यू आपको बताऊँगा। मेरे को अभी तक तो सर्विस अच्छी लगी है, बट इस बार मेजर सर्विस होगी तो वो मैं देखूंगा कि कैसी होती है, एंड देन फिर आपको मैं बताता हूँ। सो दोस्तों ये है आपका पराशर लेक का वो वाला कच्चा रास्ता। तो बेसिकली ये भी पहाड़ है जिसके ऊपर अभी हम गाड़ी चढ़ा रहे हैं। सो वापसी में जब हम आए थे तब हमने देखा था, तो ये कम से कम 20-25 किलोमीटर का पहाड़ था जो हमें नीचे हम उतरे थे, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इतना ऊपर ले गए थे गाड़ी को, बट लास्ट में 1 किलोमीटर पराशर लेक से 1 किलोमीटर पहले बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था, तो वहाँ गाड़ी ले जाना मतलब वहाँ से फिर गाड़ी वापस नहीं आ पाती, तो इतनी बुरी हालत थी वहाँ पर, तो इसलिए फिर हमें वापस ही आना पड़ा। तो देख तो नहीं पाए, अब कभी दोबारा जाएंगे तब देखेंगे। सो अब इसके बाद मैं सीधा गाड़ी को यहीं लाया हूँ, तो अब देखते हैं गाड़ी में आगे कुछ निकलता है नहीं निकलता है, बाकी आगे आपको दिखाते हैं ब्लॉग में गाड़ी कि क्या क्या सर्विसेज होती हैं, क्या क्या मिलता है गाड़ी में आपको यहाँ पर ठीक कराने में। तो दोस्तों ये है गाड़ी की कंडीशन, पूरा आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड से कम गंदी हुई है क्योंकि बारिश नहीं थी, अगर बारिश होती तो बहुत उससे भी ज़्यादा गंदी होती, क्योंकि इससे पहले जब मैं 2 साल पहले गया था तो उस टाइम मैंने, मेरे को याद है मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, तो उसमें मैंने वो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, कंपेरेटिवली कम हुई है गंदी। बाकी स्टिल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठी हुई है गाड़ी में, अभी पूरी गाड़ी एकदम साफ होगी। और मैंने पूछा था सर्विसेज आपको अंदर क्या क्या मिलेंगी, तो उसमें आपका वैक्यूम क्लीनर रहेगा, एयर रहेगी गाड़ी में जो आपको पूरी लगेगी, अंदर से पूरी क्लीन होगी आपकी, पॉलिशिंग भी होगी, इसके अलावा आपका पूरी वाटर से पहले लेगी गाड़ी पूरी अच्छी तरह से, फिर फॉर्म वॉश होगा, एंड देन उसके बाद ये गुड टू गो होगी। तो अभी इसके बाद बाकी का जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी और गाड़ी अंदर बाहर से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी, और एक तो बहुत ज़्यादा गंदी है गाड़ी, और अभी पूरी गाड़ी को क्लीन किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, मिट्टी बैठी हुई है पूरी गाड़ी में, तो देखते हैं फिर आगे कैसे रहती है।
सो दोस्तों गाड़ी इंस्पेक्ट हो गई है अभी, ऊपर हाइड्रोलिक्स मशीन में ऊपर लगाई हुई थी। बाकी ये गाड़ी खुली पड़ी है मेरी बोनेट, और अब गाड़ी वॉशिंग में जाएगी। वॉशिंग एरिया जो है इनका ये है, ये वॉशिंग एरिया। सभी प्रेशर वाटर से गाड़ी की पूरी साफ़ सफाई होगी, अंदर से पूरी क्लीनिंग होगी, और फिर हमारी धन्नो बिल्कुल नई हो जाएगी। तो देखते हैं, बाकी सारे पार्ट्स चेक करवा दिए भैया से हमारे, और उनने सब कुछ ओके को बोल दिया। तो कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ कुछ एक दो पेज थे जो ढीले हो गए थे, उन्हें टाइट कर दिया। बाकी अब वॉशिंग कराते हैं और फिर गाड़ी का फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कैसा है। दोस्तों ये मिनट वेटिंग सारी निकाल दी है गाड़ी से, तो गाड़ी अभी काफ़ी गंदी है, और सफाई अभियान इज गोइंग ऑन। तो अभी आपको ले चलते हैं वॉशिंग एरिया में, तो वैक्यूम भी होगा। दोस्तों प्रेशर वाटर से साफ हो रहे हैं यहाँ पर मैट्स, देख सकते हैं सो ये वाली जो मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हैंडल के साथ और ये नीचे, सो यहाँ से आपका प्रेशर वाटर निकलता है, और ये कार को अंडर बॉडी को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था, ये अंडर बॉडी जैसे क्लीन करती है, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर किसी और कस्टमर की गाड़ी आ रही है, तो किया सेल्टॉस है उनके पास, तो अभी हमारी गाड़ी की भी ऐसी होगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरह देखते उस तरह की मशीन भी है, तो अच्छी इक्विपमेंट है यहाँ पर। अगर आप हिमाचल या पालन की लोकेशन पर, तो आप किया सकते हैं सर्विस चलाने गाड़ी की। और मेरी गाड़ी में यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग पानी बहुत ज़्यादा है, सो अब यहाँ पर पूरी गाड़ी में आपकी एयर से क्लीनिंग हो जाएगी, जो बिल्कुल टाइट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर एयर से पूरा जो अंदर डर्ट होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। इसके बाद वैक्यूम होगा एंड देन फिर वॉशिंग एरिया में गाड़ी जाएगी। तो हमारी बसंती भी आ गई है अब नहाने के लिए,
और इसको फुल टू नहलाया जाएगा और उसके बाद इसका आपको फाइनल टच। भैया निकल गए बाहर। सो यही भैया जो पोलो के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं और इन्होंने पोलो सर्विस में काम भी करा है, तो मैं इन्हीं से अपनी प्रेफर करवाता हूँ अपनी गाड़ी को दिखाना है यहाँ पर, क्योंकि हिमाचल में कोई डालता नहीं है हाथ इन गाड़ियों पर। दोस्तों अभी गाड़ी धुल रही है और एकदम धुलने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो मैं आपको बीच बीच में प्रोसेस भी दिखा रहा हूं कि मतलब किस तरह से यहां पर सफाई की जाती है गाड़ी की स्टार्टिंग टू एंड, सो दैट आपको भी एक आइडिया रहे कि अगर आप किसी जगह आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी के किस किस स्टेप से होकर निकलती है और कैसे कैसे होता है। तो मैं आपको गाड़ी की वॉशिंग हो रही है प्रेशर वाटर से, तो मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाकी ये बिल्कुल मेन नेशनल हाईवे पर है, तो अगर आप आते हैं तो आ सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को धुलाते हैं, अच्छी डीप क्लीनिंग करानी है, सो यहाँ पर वैक्यूम एयर फुल आपका फॉग वॉश होता है, तो दैट्स अ गुड सर्विस और प्राइजेस बहुत रीज़नेबल हैं। तो मैं आपको एक हिंट दे दूँगा एट द एंड ऑफ वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप देख सकते हैं। फोम वॉश के बाद अब इसे फिर से वाटर से क्लीन किया जा रहा है। ऑब्वियसली जो साबुन है उसे तो हटाएंगे हटाएंगे, तो अब गाड़ी हमारी हमें लग रहा है कि चमक जाएगी बढ़िया से एकदम से, और उसके बाद इसको पूरा साफ वाफ करके हमारे पास आ जाएगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर अभी तक जो मतलब मैंने सर्विसेज ली हैं यहाँ की, अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और रेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स हैं, तो आप आ सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी की तरह आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी अभी ये क्लीन होने के बाद आपका कपड़े से साफ कर देंगे, और जिनको आप अभी आप देख रहे हैं मेन मकैनिक है वैसे यहाँ पर, बट मेरी हम पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से अब, तो इसलिए भाई और मेरे को जल्दी जाना कहीं, तो भाई ने कहा कि अभी दूसरा बंदा बिजी है तो मैं कर देता हूँ फटाफट, तो सो दैट मेरा काम भी हो सके। और बाकी आपको मेरे को ये भी दिखाना था कि यहाँ पर सर्विसेज अच्छी हैं, काफ़ी बढ़िया सर्विसेज हैं, तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा आपका और वैल्यू फॉर मनी आपका पैकेज मिल जाएगा आपको यहाँ पर अगर आप आते हैं तो। डू चेकआउट, ये है आपका कार स्पा एंड सर्विस ऑफर जो आपको मिलते हैं यहाँ पर, सर्विसेज ऑफरिंग जो होती हैं वो आपके यहाँ पर मेंशन है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो कनेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 से
ये ओपन हो जाता है शाम को 5 से 6 बजे तक ओपन रहता है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डिटेल्स, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। गाड़ी धुलने के बाद अब यहाँ पे साफ़ हो रही है कपड़े से, और ये आपके बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन है। तो यहाँ पे गाड़ी आप ऊपर इस पर चढ़ाते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि गाड़ी में अंडर बॉडी कोई फॉल्ट तो नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा ये इनकी शॉप के अंदर आपका ये एक मशीन है जो टायर के रिम बदलने के लिए, अगर आपको स्टेपनी टायर अपने लगा रखा उसमें आपको रिम चेंज कराना है या किसी भी टायर का पूरी इंजन बनाना, तब ये मशीन का इस्तेमाल करके यहाँ पर होता है। बाकी यहाँ पर इनके पास व्हील बैलेंसिंग की भी मशीन है, तो आप देख सकते हैं ये व्हील बैलेंसिंग की मशीन अवेलेबल, टूल बॉक्स, और ये है आपका अलाइनमेंट। यहाँ व्हील अलाइनमेंट हो जाती है गाड़ी की, और व्हील अलाइनमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं। बाकी आपका वैक्यूम, और ये आपका एयर का ऑप्शन, एंड देन वहाँ पे फर्दर आपकी कार वॉश होती है। और सारी सर्विसेज के बाद अब हम आपको फाइनली गाड़ी का फाइनल लुक दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। बाकी और साथ साथ बाकी गाड़ी साफ कराते कराते आप यहाँ का नेचर व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। सॉल तो आप तो वैसे ही नेचर के अराउंड ही रहते हैं, सराउंड रहते हैं, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है उसे। तो दोस्तों गाड़ी साफ़ हो गई है बिल्कुल, और मेरे भाई ने मेरा पूरा साथ दिया, टाइम से मुझे फ्री कर दिया। और अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो ये है आपका बोर्ड पीछे, थंबनेल में आपको मिल जाएंगे कि सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कोई भी काम हो यहाँ पर तो एक बंदे को मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, जो मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो उनके साथ आप ज़रूर उन्हीं को आप कनेक्ट करें फर्दर, और उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आपको हेल्प कर देंगे सारी चीज़ों के साथ। सो थैंक यू भाई, थैंक यू भैया जी फॉर हेल्प, और आई होप आपको पसंद आएगा व्लॉग। और अगर आप यहीं नियर बाई एरिया में हैं तो प्लीज़ यहाँ पर विज़िट करें गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। वॉशिंग रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल ही जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नए व्लॉग में जल्दी। सो दोस्तों ये है फाइनल लोकेशन, फाइनल लुक गाड़ी का, आई होप आपको भी पसंद आएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और प्राइसेस मैं आपको बताया तो 180 रुपीज़ इज़ ओनली द चार्जेस फॉर द वॉशिंग, बाकी अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, सो डू चेकआउट दिस लोकेशन अगर आप नियर बाई एरिया से हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में जल्दी एक नई लोकेशन के साथ, तब तक यू गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड यू हैव अ गुड डे, कीप एंजॉइंग योर लाइफ।